नमस्कार मित्रों मित्रों आज ने वीडियो में बात करीशु देश ने दुनिया ना सुपर फास्ट समाचार नी। सौ प्रथम बात करिए तो पाकिस्तान ने मड़ी गई छे वीजा नी मंजूरी। पाकिस्तान नी क्रिकेट टीम माटे सारा समाचार छे। भारत सरकारे तेमनी टीम माटे ना वीजा मंजूर कर्या छे। आईसीसी ए आ जानकारी आपी छे। वीजा नी मंजूरी मळ्या बाद पाकिस्तान 27 सप्टेम्बरे भारत आवशे। थोड़ा दिवसों पहला भारत सरकारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वीजा आपवानी मनाई करी हती, जेना कारणे पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने प्रेक्टिस ने असर थई हती। पंजाब क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ए वीजा मुद्दाओं ने लईने आईसीसी समक्ष गंभीर चिंता व्यक्त करी हती। अन्य महत्वना समाचार की बात करिए तो कोरोना करता पण खतरनाक छे बीमारी। चीनना स्वास्थ्य निष्णात वायरोलॉजिस्ट सी जेंगली एक रिसर्च पेपर में जणाव्युं छे कि भविष्य में चीनमांथी वायरस थी फैलातो रोग फरीथी फैलाशे, जे कोरोना करता पण खतरनाक हशे। वुहान इंस्टिट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में सीनी टीमें मूल्यांकन कर्युं छे कि 40 कोरोना वायरस प्रजातियों मनुष्य माटे जोखमी छे, जेमांथी अर्धा अत्यंत जोखमी गणवामां आव्या छे। वुहान इंस्टिट्यूट ऑफ वायरोलॉजी तपास हेठळ चाली रही छे। अन्य महत्वना समाचार की बात करिए तो मोदी सरकार ने मोटी भेट। एलपीजी सिलिंडर ने सस्तु कर्या बाद मोदी सरकार शहरी मध्यम वर्ग माटे नवी आवास योजना लेने आवी रही छे। आ अंतर्गत बैंकों पासे थी लोन लेवा पर व्याज में मोटी राहत मळशे। आ माटे सरकार आगामी 5 वर्ष में 600 अबज रुपया खर्चवा जई रही छे। आ योजना हेठळ 9 लाख रुपया सुधीनी लोन पर 3 થી 6.5% वच्चे वार्षिक व्याज सबसिडीनी ऑफर मळी शके छे। 20 वर्षनी मुदत माटे लेवामां आवेली 50 લાખથી ઓછી હોમ લોન આ યોજના માટે પાત્ર હશે। અન્ય મહત્વના સમાચારની વાત કરીએ તો વધુ એક આતંકવાદી વિરુદ્ધ મોટી કાર્યવાહી। ભારતમાં આતંકવાદી ગતિવિધિઓને અંજામ આપનારા વધુ એક ખાલિસ્તાની સમર્થક વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે। ભારતે ઇન્ટરપોલની મદદથી કુખ્યાત આતંકવાદી સંગઠન બબ્બર ખાલસા ઇન્ટરનેશનલના આતંકવાદી કરણવીર સિંહ વિરુદ્ધ રેડ કોર્નર નોટિસ જાહેર કરી છે। આરોપી વિરુદ્ધ ભારતમાં હત્યા, એક્સપ્લોઝિવ એક્ટ, ટેરર ફંડિંગ, ટેરરિસ્ટ કાવતરો, આતંકવાદી ગેંગ અને સંગઠનના સભ્ય હોવા અને આમ એકના ઘણા ગંભીર કેસો પણ નોંધાયેલા છે। તો ચાલો મિત્રો ફરીથી દેશ અને દુનિયાના સુપરફાસ્ટ સમાચાર લઈને મળતા રહીશો। ત્યાં સુધી અમને રજા આપશો। નમસ્તે।